हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम बात करें आईपीओ की और देखेंगे आज के डेट में आईपीओ के अंदर क्या ग्रे मार्केट पीएम चल रहा है। आज है 2 सितंबर 2023। बात करेंगे ईएमएस लिमिटेड आईपीओ। देखा है तो ये आईपीओ भी इसी वीक से स्टार्ट हो रहा है और साथ साथ में जुपिटर हॉस्पिटल भी स्टार्ट हो रहा है। और देखेंगे रत्नावीर प्रिसिशन आईपीओ, ये भी मंडे से इसका सब्सक्रिप्शन स्टार्ट हो जाएगा। और साथ साथ में ये ऋषभ इंस्ट्रूमेंट आईपीओ आया और क्लोज हो गया। इन सभी आईपीओ के अंदर आज के डेट में क्या ग्रे मार्केट पीएम चल रहा है वो देखेंगे और साथ साथ में किसका कितना कोटा रखा गया है और साथ साथ कौन से आईपीओ में सब्सक्रिप्शन लेना चाहिए जो अच्छा पैसा बना के देगा। ये सारी बातें सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। उससे पहले कहूँगा जो फर्स्ट टाइम चैनल पे विजिट कर रहे हैं, चैनल को लाइक कर दो, साथ साथ में सब्सक्राइब भी करते करेंगे। ऋषभ इंस्ट्रूमेंट लिमिटेड आईपीओ के डे बाई डे ग्रे मार्केट प्रीमियम के बारे में देखा है तो ये आईपीओ आया और क्लोज भी हो गया। लाइव स्टेटस क्या है इसके अंदर और आज के डेट में क्या ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है वो देख लेते हैं। बात करेंगे इसके अंदर सब्सक्रिप्शन के बारे में तो अभी तक इसके अंदर जो टोटल सब्सक्रिप्शन देखने को मिला क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल के जरिए करीब करीब 72 टाइम तक का सब्सक्रिप्शन आया और अमाउंट 7,120 करोड़ तक अमाउंट लग चुका है। और बात करेंगे नॉन इंस्टीट्यूशनल बायर्स की तो 31 टाइम तक का सब्सक्रिप्शन आया और 2,303 करोड़ तक का अमाउंट लगा। इसके अंदर दो कैटेगरीज देखने को मिलती है, जो अबाउ 10 लाख है, जो बिलो 10 लाख है। 34 टाइम और 26 टाइम तक का सब्सक्रिप्शन आया। ज़बरदस्त सब्सक्रिप्शन चला इस आईपीओ के अंदर। और बात करेंगे रिटेल की, रिटेल देखा जाए तो इसके अंदर रिटेल भी सब्सक्रिप्शन लिए और करीब करीब 8 टाइम तक का सब्सक्रिप्शन देखने को मिला रिटेल का और अमाउंट भी 1,450 करोड़ तक का अमाउंट भी देखने को मिला। आईपीओ क्लोज हो गया और टोटल सब्सक्रिप्शन देखने को मिला है करीब करीब 31 टाइम तक का सब्सक्रिप्शन देखने को मिला। ज़बरदस्त सब्सक्रिप्शन चला, 10,373 करोड़ तक का इसके अंदर अमाउंट आता हुआ देखने को मिला। चलो इस आईपीओ के अंदर आज के डेट में क्या ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है वो देख लेते हैं। उससे पहले चैनल को लाइक भी करते हैं। ऋषभ इंस्ट्रूमेंट आईपीओ के डे बाई डे ग्रे मार्केट प्रीमियम के बारे में तो आज के डेट में जो ग्रे मार्केट प्रीमियम ट्रेंड कर रहा है वो देख लेते हैं। आज है 2 सितंबर 2023 और आज इसके अंदर को 13 से 14% तक का ग्रे मार्केट प्रीमियम देखने को मिल रहा है। आईपीओ आया, क्लोज भी हो गया और उसके बाद देखा जाए तो ग्रे मार्केट प्रीमियम करीब करीब 18 से 19% तक का हाईएस्ट चढ़ चुका था। अक्सर वीडियोज़ में कहता हूँ अगर आईपीओ 10 से 15% पर लिस्ट होता है तो उसको अच्छी लिस्टिंग मानी जाती है। अभी तक इसके अंदर 13% तक का चल रहा है। उम्मीद की जा रही है इसके अंदर हमको 20 से 30% तक का प्रीमियम देखने को मिल सकता है। जैसे भी रुझान रहा डे बाई डे वीडियो के माध्यम से बता दूंगा। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर देना, साथ साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी करते चलो ताकि नई वीडियोज़ नई नॉलेज में टाइम टू टाइम लेके आते रहें। रत्नावीर प्रिसिशन इंजीनियरिंग लिमिटेड आईपीओ के बारे में देखा है तो ये आईपीओ 4 सितंबर से स्टार्ट होने वाला है, यानी मंडे से सब्सक्रिप्शन स्टार्ट हो जाएगा। आज है सैटरडे और आज इसमें क्या ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है वो देख लेते हैं। और साथ साथ में 6 तारीख को ये आईपीओ क्लोज भी हो जाएगा। फेस वैल्यू 10 रुपया पर शेयर रखा गया है और कंपनी अपना आईपीओ जो लेकर आ रही है 93 रुपीज़ से 98 रुपीज़ के बीच में लेकर आ रही है। सब्सक्रिप्शन अगर ले रहे हैं इसके अंदर तो जो हाइएस्ट प्राइस बैंड है 98 रुपीज़ पर शेयर, इसके ऊपर ही सब्सक्रिप्शन ले जिसके ऊपर ज़्यादा चांसेस रहेगा आईपीओ मिलने का। एक लॉट के अंदर 150 शेयर्स रखा गया है, यानी सबसे मिनिमम 150 शेयर्स कम से कम डिटेल को इसमें ले सकते हैं। और बात करेंगे इसके अंदर लिस्टिंग की तो ये हमको लिस्ट होता हुआ दिखाई देगा, बीएससी एनएससी पे लिस्ट होता हुआ दिखाई देगा क्योंकि मेन बोर्ड ये आईपीओ जो दोनों एक्सचेंज पे लिस्ट होगा। और साथ साथ में बात करेंगे टोटल इशू साइज़ की, नहीं आईपीओ का जो टोटल साइज़ देखने को मिल रहा है करीब करीब 165 करोड़ का ये आईपीओ। इसके अंदर भी दो कैटेगरी देखने को मिली, फ्रेश इशू भी रखा गया 135 करोड़ का और साथ साथ में 29 करोड़ 79 लाख का इसके अंदर ऑफर फॉर सेल भी है। यानी कह सकते हैं आप कुछ प्रमोटर अपने होल्डिंग बेच रहे हैं जिसके अंदर ऑफर फॉर सेल भी लाया गया है। और साथ साथ में बात करेंगे इसके अंदर रिजर्वेशन के बारे में देखा है तो रिजर्वेशन क्यू आई वी यानी क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशन का 50% है, HNIs का 15% है और रिटेल का भी इसके अंदर 35% रखा गया है। चलो देख लेते हैं आईपीओ का आज का क्या ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है। उससे पहले कहूँगा चैनल को लाइक करें। रत्नावीर प्रिसिशन इंजीनियरिंग लिमिटेड आईपीओ के बारे में फिलहाल देखा है तो आज के ग्रे मार्केट प्रीमियम ट्रेंड कर रहे हैं वो देख लेते हैं। आज है 2 सितंबर 2023 और आज इसके अंदर करीब करीब हमको 51% तक का ग्रे मार्केट प्रीमियम चढ़ता हुआ देखने को मिला। जब इस आईपीओ का ग्रे मार्केट प्रीमियम ओपन हुआ था करीब करीब 12 से 13% पे ग्रे मार्केट प्रीमियम यह चल रहा था। आज देखा जाए तो करीब करीब ये 12 से बढ़ के करीब करीब 52% तक का इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम चढ़ चुका है। नहीं कह सकते जब सब्सक्रिप्शन स्टार्ट होगा तो इसके अंदर भी हमको करीब करीब 70 से 80% तक का ग्रे मार्केट प्रीमियम चढ़ता हुआ देखने को मिलेगा। ज़बरदस्त ये आईपीओ रत्नावीर अच्छी आईपीओ अच्छा पैसा बना के दे सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, उसके माध्यम से डीमैट अकाउंट ओपन करके रत्नावीर प्रिसिशन इंजीनियरिंग लिमिटेड आईपीओ के अंदर सब्सक्रिप्शन लो जो आईपीओ अच्छा पैसा बना के देगा। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ साथ में बेल आइकन की बटन भी दबा देना। जुपिटर लाइफलाइन हॉस्पिटल के बारे में फिलहाल देखा जाए तो ये आईपीओ भी 6 सितंबर से स्टार्ट होने वाला है, यानी इसी वीक।
₹5 इसके ऊपर सब्सक्रिप्शन लें जिसपे ज़्यादा चांसेस रहेगा आईपीओ मिलने का। एक लॉट के अंदर 20 शेयर्स रखे गए हैं और साथ साथ में बात करेंगे टोटल इशू साइज के बारे में तो बहुत बड़ा ये आईपीओ करीब करीब 869 करोड़ का ये आईपीओ है जिसके अंदर फ्रेश इशू भी रखा गया है और साथ साथ में ऑफर फॉर सेल भी रखा गया है। अगर देखा जाए तो इस आईपीओ के अंदर फ्रेश इशू जो रखा गया है करीब करीब 542 करोड़ का फ्रेश इशू है और ऑफर फॉर सेल देखा जाए तो करीब 327 करोड़ का ऑफर फॉर सेल भी है। बात करेंगे लिस्टिंग की तो इसको ये हमको BSE NSE दोनों पे लिस्ट होता हुआ देखने को मिलेगा। और साथ साथ में देखा जाए इस आईपीओ के अंदर रिजर्वेशन के बारे में बात करते हैं तो सेम इसके अंदर भी जो रिजर्वेशन रखा है क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल यानी QIBs का 50% रखा गया है, HNIs का 15% रखा गया है और हम जैसे आप जैसे जो रिटेल है रिटेल का भी इसमें 35% रखा गया है। चलो आज के डेट में इसका क्या गिरा मार्केट प्रीमियम ट्रेंड कर रहा है वो देख लेते हैं। उससे पहले कहूँगा चैनल को लाइक करते चलो साथ साथ में सब्सक्राइब भी। बात करें जुपिटर लाइफलाइन हॉस्पिटल आईपीओ की डे बाई डे ग्रे मार्केट प्रीमियम के बारे में तो आज के डेट में जो ग्रे मार्केट प्रीमियम ट्रेंड कर रहा है वो देख लेते हैं। आज 2 तारीख और आज इसके अंदर करीब करीब 27% तक का ग्रे मार्केट प्रीमियम ओपन हो चुका है यानी कह सकते हैं ये आईपीओ के अंदर आपको करीब करीब 25 से 30% तक का प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। ज़बरदस्त ये आईपीओ आने वाला है और ज़बरदस्त सब्सक्रिप्शन होने वाला है और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्रिप्शन अगर देखने को मिलता है तो ये आईपीओ के अंदर भी हमको करीब करीब 30% से बढ़ के 50 से 60% तक का ग्रे मार्केट प्रीमियम चढ़ जाएगा। जैसा भी रुझान रहा डे बाई डे वीडियो के माध्यम से बता दूंगा। फिलहाल देखा है तो आज ही हमको करीब करीब 27% तक का ग्रे मार्केट प्रीमियम देखने को मिल रहा है। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर देना साथ साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी करते चलो। करें EMS IPO की डिटेल के बारे में फिलहाल देखा है तो एक नया अपकमिंग IPO आने वाला है जो ये IPO नेक्स्ट वीक से यानी इसी मंथ से स्टार्ट हो जाएगा। 8 सितंबर से सब्सक्रिप्शन स्टार्ट हो रहा है और 12 तारीख को ये IPO क्लोज हो जाएगा ट्यूजडे के दिन। बात करेंगे आईपीओ के फेस वैल्यू की ₹10 पर शेयर रखा गया। आईपीओ प्राइस देखा जाए तो ₹200 से ₹211 के बीच में पर शेयर रखी गई है। अगर सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं तो हाईएस्ट प्राइस बैंड जो है इसका ₹211 इसके ऊपर ही सब्सक्रिप्शन लें जिसपे ज़्यादा चांसेस रहेगा आईपीओ मिलने का आईपीओ लगने का क्योंकि हाईएस्ट प्राइस बैंड पे ही आईपीओ ज़्यादातर लगता है। और टोटल इशू साइज देखा जाए तो इस आईपीओ का 321 करोड़ का ये आईपीओ और इसके अंदर भी फ्रेश इशू भी रखा गया है साथ साथ में ऑफर फॉर सेल भी है। फ्रेश इशू करीब करीब 146 करोड़ का है और साथ साथ में ऑफर फॉर सेल भी इसके अंदर करीब करीब 175 करोड़ का इसके अंदर ऑफर फॉर सेल भी है। और साथ साथ में बात करेंगे इस आईपीओ के अंदर लिस्टिंग की तो ये आईपीओ हमको BSE NSE दोनों पे लिस्ट होता हुआ देखने को मिलेगा क्योंकि मेन बॉडी आईपीओ जो दोनों एक्सचेंज पे लिस्ट हो रहा है। और साथ साथ में रिजर्वेशन इसके अंदर जो रखा गया है QIBs का भी 50% दिया गया है, HNIs को 15% दिया गया है और रिटेल को यानी हम जैसे आप जैसे जो रिटेल है रिटेल को भी इसके अंदर 35% दिया गया है। चलो वीडियो की और भी क्या क्या आईपीओ की नॉलेज है वो भी देख लेते हैं। उससे पहले कहूँ चैनल को लाइक करें। EMS आईपीओ के डे बाय डे ग्रे मार्केट प्रीमियम के बारे में तो आज के डेट में जो ग्रे मार्केट प्रीमियम ट्रेंड करा है वो देख लेते हैं क्योंकि इस आईपीओ का भी ग्रे मार्केट प्रीमियम ओपन हो चुका है। आज 2 सितंबर 2023 और आज इसके अंदर 48.49% तक का ग्रे मार्केट प्रीमियम देखने को मिला नहीं कह सकते हैं ये आईपीओ करीब करीब 50% ग्रे मार्केट प्रीमियम पे ट्रेड कर रहा है। जब इसका सब्सक्रिप्शन स्टार्ट होगा फ्राइडे के दिन से अगर ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्रिप्शन देखने को मिलता है तो इस आईपीओ के अंदर भी हमको 70 से 80% तक का ग्रे मार्केट प्रीमियम चढ़ता हुआ देखने को मिलेगा। जैसा भी रहा डे बाय डे रुझान वीडियो के माध्यम से बता दूंगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है उसके माध्यम से अपना डीमैट अकाउंट ओपन करके EMS आईपीओ के अंदर भी सब्सक्रिप्शन लो जो आने वाले वक्त में बहुत अच्छा पैसा बना के दे सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ साथ में बेल आइकन की बटन भी दबा देना ताकि नई नई वीडियोज़ नई नॉलेज मैं टाइम टू टाइम लेके आता रहूँ।